हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन फंडा विद पू। मैं हूं पूजा और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो इसमें मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट, स्किन केयर, हेयर केयर एंड अ लॉट मोर। सो आई हैव अ लिटिल कफ एंड कोल्ड, इग्नोर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट कम टू द पॉइंट, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बेसिक है। मतलब बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ और वो सारी मतलब ख़त्म हो चुकी हैं। मुझे इतना ज़्यादा पसंद आई है और मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट किया है उसने। सो बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं, तो इसे ना सबसे अच्छी बात है आप किसी भी एज ग्रुप के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं लाइक टीनेज, अडल्ट और आपकी एज अगर थोड़ी ज़्यादा भी है तो दे आर कम्प्लीटली सेफ एंड फाइन टू योर स्किन। सो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। बट उससे पहले इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, do subscribe and hit the bell icon so you will get notification every time I post new video. So let's get started. So जो मेरा first product है वो है ये L'Oreal Revitalift Crystal Micro Essence। So ये मतलब बहुत ही ज़्यादा स्किन के लिए अच्छा था, बहुत ही लाइट है। सबसे अच्छी बात है ना ये बहुत ज़्यादा लाइट है और मैं इसको ना रीपर्चेज़ करने वाली हूँ। ये मेरी स्किन को ना मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देता है। अगर रात में मैं इसको लगा के सोती थी तो काफ़ी स्मूथ लगती थी मेरी नेक्स्ट डे स्किन। और पोर्स ना सबसे अच्छी बात है ये पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है, बिल्कुल भी आपके मतलब बिल्कुल स्मूथ स्किन हो जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी बहुत ज़्यादा स्किन में पोर्स है, बिल्कुल स्मूथ फिनिश देगा और बहुत ही ज़्यादा आपको ग्लो देता है। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप किसी भी एज ग्रुप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा। अगर आप इसको लगाती हैं तो आपको किसी तरह का सीरम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पुट इट ऑन योर स्किन और उसके बाद आप नाइट क्रीम लगा लीजिए और आप बिल्कुल सॉर्टेड हैं। तो कोई भी अच्छा अगर आप सीरम लेती हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, बट दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट एंड कंपैरिजन टू द प्राइस एंड क्वांटिटी एंड द इफेक्ट इज़ अमेजिंग। सो आपको ज़रूर ये रीपर्चेज कर लेना चाहिए अगर आपका ख़त्म हो गया है। और अगर आपने अभी तक इसको ट्राई भी नहीं किया है ना तो आपको डेफिनेटली ये ट्राई भी करना चाहिए। सो जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये बायोटिक का बायो टाइटनिंग टोनर। सो ये ना किसी भी एक्सपेंसिव टोनर को बीट कर सकता है, ट्रस्ट मी। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है इन कंपेरिजन टू द प्राइस। लाइक 175 इसका प्राइस है, बट यू कैन ऑल्सो गेट इट ऑन सो मच डिस्काउंटेड प्राइस लाइक ऑन नायका, ऑन अमेजोन। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत सूदिंग है। इसको लगाने के बाद ना आपको स्किन पे अपने कूलिंग इफेक्ट मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और कंपैरिजन टू द प्राइस बहुत ही अच्छा है। और मेरा ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका है, आई एम गोना रीपर्चेज। और अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है सो डू ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो बेस्ट है। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ लाइक बीबी क्रीम, बेसिक बेबी क्रीम, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो ये है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट एम्प्टी, कुछ नहीं है इसमें। बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी थी और मुझे लगता है ना कि फाउंडेशन को बीट कर सकती है। लाइक अगर आपके स्किन पे ज़्यादा मार्क नहीं है, कोई भी डार्क पैचेस नहीं है या पिगमेंटेशन नहीं है, तो अगर आप इसको लगा लेती हैं किसी भी फंक्शन में, आप वो डे फंक्शन के लिए जाना है या फिर नाइट फंक्शन के लिए, दोनों के लिए बेस्ट है। तो मेरी ये ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुकी है और ये भी ऑलमोस्ट एम्प्टी होने वाली है। सो ये थोड़ा सा छोटा पैक था। तो ये दोनों आपको नायका, अमेज़ॉन और किसी भी आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल हो जाएंगी और मतलब बेस्ट है। अगर आप इनको अप्लाई करते हैं ना तो आपकी स्किन ना एकदम इवन लगेगी, सारे आपके डार्क पैचेस को कवर कर लेगा, पिगमेंटेशन को। अगर हाइपर पिगमेंटेशन आपको नहीं है तो ये कम्प्लीटली कवर कर लेगा क्योंकि ये लाइट फाउंडेशन टाइप का है और बहुत अच्छा है। मतलब आप इसको एवरीडे यूज़ कर सकती हैं और आपकी स्किन के लिए ना बिल्कुल सेफ़ है। तो इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम ही है, मतलब आपको ये 190 और समथिंग का ये मिल जाएगा। मतलब परफेक्ट है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, मतलब किसी को भी क्या चाहिए। तो मैं इसको ज़रूर रीपर्चेज़ करूँगी और अगर आपने भी ट्राई नहीं किया है सो डू ट्राई इट आउट। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर जो कि है लोटस की। तो लोटस भी काफ़ी अच्छा ब्रांड बन चुका है और ये लोटस का मतलब बहुत ही अच्छा रेंज है ये। इसका यूथ RX इसका रेंज है और एंटी एजिंग ये नरिशिंग नाइट क्रीम है। आपको एक नाइट क्रीम तो चाहिए होती है, हर किसी को चाहिए होती है, और बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है। आपको कोई भी आप टोनर या फिर माइक्रो एसेंस या फिर आप कोई सीरम अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको नाइट क्रीम ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए एक अच्छे स्किन के लिए। सो इसको मैंने यूज़ किया है और ये पूरा खाली है, मतलब पूरा टब एकदम खाली हो चुका है और मैं इसको ज़रूर से रिपर्चेज करूँगी। बहुत अच्छा है, इसकी रेंज बहुत ही अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नॉर्मल रेंज का है और इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। 50 ग्राम में आपको मिलेगा और प्राइस के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। और इसका पैकेजिंग बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत हैंडी है, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। सो इसको भी डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। मतलब ये सारे जो मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ ना, ये मतलब प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हर स्किन टाइप के लिए सेफ़ है। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है या फिर ऑयली है या फिर नॉर्मल है तो परफेक्ट है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली है स्किन, सो आपको डेफिनेटली चेक कर लेना चाहिए कि कौन से आपके मतलब प्रोडक्ट्स आपके यूज़फुल हैं और नहीं। और अगर आपका स्किन टाइप नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, तो ये परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट। तो मेरा स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, अगर आपका है तो बस आप नायका खोलिए या फिर अमेजोन खोलिए, आप परचेज़ कर लीजिए, इन सारे प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे हैं। उसके बाद है एक शैम्पू। सो बालों की भी थोड़ी केयर कर लेते हैं। सो दिस इज़ द लॉरियल प्रोफेशनल रेंज है, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये इन फॉसल करके है और ये मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा थिन हो रहे थे, फ्रिजाइल हेयर जो स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और टूटने लगते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है और मैं इसको ज़रूर रिपर्चेज़ करूँगी। मतलब बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल एकदम वाव है, इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है और क्वांटिटी भी, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका प्राइस है 695 जो कि ऑलमोस्ट ओके है। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल रेंज का शैम्पू लेंगी तो मुझे लगता है ना ये परफेक्ट है। इसमें B6 बायोटिन है जो कि आपके स्ट्रेंथनिंग करता है, हेयर को एंटी ब्रेकेज से बचाता है और बहुत ही अच्छा है। सो इसको भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सो जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये पॉन्ड्स के मॉइस्चराइजर्स। तो मतलब इसको देखने के बाद आप बिल्कुल ये मत समझिएगा ना कि मैं इसको स्पॉन्सर्ड कर रही हूँ या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये मुझे ऐसे ही पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्राइस वेरी नॉर्मल, वेरी बेसिक और क्वांटिटी ह्यूज, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है इसकी। आपको मतलब एक अच्छे हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र को ये बीट कर सकता है, बहुत अच्छा है, एकदम लाइट है। अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है, नॉर्मल है या फिर कॉम्बिनेशन है तो ये परफेक्ट है। बस आप एक ले लीजिए, काफ़ी दिन चलने वाला है, प्राइस की नो फिकर, बहुत अच्छा है। इसका बिल्कुल लाइट जेल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये भी कि मैंने इनको सब खाली कर चुकी हूँ। मैं ये बड़ा वाला टब है जो कि पूरा खाली हो चुका है। सो इसको मैं यूज़ करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, उनको भी काफ़ी पसंद आया ये। सो ये भी एम्प्टी है पूरा। और नेक्स्ट वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वरना आप समझेंगे कि मैं शायद झूठ बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी पूरा एम्प्टी हो चुका है और कितने सारे टब मैं ना इसके फेंक चुकी हूँ। ये तो मैंने बचा के रख लिए थे इस वीडियो के लिए कि मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत इसके बाद भी मैंने बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स खरीदे हैं, बट मुझे लगता है ना कि ये परफेक्ट है। रेंज के अकॉर्डिंग इसकी क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी चलने वाला है। सो अगर आप मतलब टीनेज ग्रुप में हैं जो कि पॉकेट मनी जिनकी बहुत ज़्यादा कम है और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं ट्राई कर सकती हैं, सो ट्राई इट आउट एंड डू लेट मी नो। सो जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये रोल ऑन डिओड्रेंट। सो वेरी बेसिक, सबको पता है कि नीविया का रोल ऑन डिओड्रेंट आता है। सो बट इसका जो मतलब इसको जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके लिए मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसकी स्मेल वाव है। सो इसको मैंने ना यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ लखनऊ में, यानी वहाँ मैंने इसको नहीं देखा है अभी। ये ब्लैक पर्ल का रोल ऑन डिओड्रेंट है। सो इसको ना मैंने गोवा से परचेज़ किया था और इसकी स्मेल लाइक हेवन, बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी स्मेल। और एज़ यू ऑलरेडी नो कि नीविया के रोल ऑन डिओड्रेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, आपके अंडरआर्म्स को बहुत ज़्यादा अच्छे रखते हैं, ओडर फ्री, आपके अंडरआर्म्स को प्रोटेक्शन देते हैं और उन्हें इवन बनाते हैं, लाइटन करते हैं और बहुत अच्छी इसकी स्मेल है। सो ओवरऑल ये परफेक्ट है, बट इसकी स्मेल ना मुझे नीविया के सारे रोल ऑन डिओड्रेंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, मतलब वाओ, बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो अगर आपको ये कहीं भी मिले ऑन नायका ऑन अमेजोन, उसको परचेज कर लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत बेसिक है, हर जगह मिल जाएगा, सो ट्राई इट आउट। सो जो नेक्स्ट है वो है ये निविया का। सो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मतलब बहुत बेसिक ब्रांड्स हैं ये, और ये मतलब हर जगह अवेलेबल है ऑन एवरी प्लेटफॉर्म और एनी फार्मेसी लाइक जनरल स्टोर्स, हर जगह आपको मिल जाएंगे। आप अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे भी जाएंगे ना तो मिल ही जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये निविया का ऑयल एंड लोशन विथ रोज एंड आर्गन ऑयल बेस्ट। मैंने इसको लिया था ना इसकी स्मेल के लिए, मतलब इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा हेवनली है, बहुत अच्छी है। तो इसको लगाने के बाद ना स्किन तो अच्छी रहती है, आप स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब अच्छा करते हैं। और अगर आपको कोई परफ्यूम या फिर डियोड्रेंट से एलर्जी है तो ये तो आपके लिए लाइफ सेवर है, बहुत अच्छा है। क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 400 ml क्वांटिटी है इसकी। स्किन मतलब स्किन टाइप इसका ड्राई स्किन वालों के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मुझे ये परफेक्ट लगा, ऐसा नहीं कि बहुत ऑयल करता है। तो आप नॉर्मली इसे अगर आपकी ड्राई स्किन है या फिर ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, उसके लिए परफेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्किन टाइप के लिए। तो इसका मतलब रेंज वाइज और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। अगर आप स्मेल के लिए कोई लोशन लेना चाहते हैं ना तो ये ले लीजिए, कंप्लीटली सॉर्टेड है। सो जो नेक्स्ट है वो है ये मामाअर्थ का ओप्टन फोमिंग फेस वॉश विद टर्मरिक एंड सैफरन। सो इसके ना मैंने बहुत सारे मतलब डिब्बे ख़त्म कर चुकी हूँ मैं, बट उनको मैंने फेंक दिया, सो कोई बात नहीं। बट ये भी ऑलमोस्ट एम्प्टी है, बिल्कुल ज़रा सा ये नीचे होगा और कम्प्लीटली मतलब एम्प्टी होने वाला है। और ये बहुत ही अच्छा है, आपकी स्किन को ना इंस्टेंट ग्लो देता है। अगर आप बाहर ज़्यादा धूप में बहुत जाती हैं और आपको टैनिंग हो जाती है ना तो उसके लिए परफेक्ट है। तो इसमें ये ना सिलिकॉन ब्रश भी है, बहुत हाइजीनिक है ये। आप इसको लगा दें और उसको फिर निकाल लें यूज़ करने के टाइम। ये सिलिकॉन ब्रश जो आपकी मतलब बहुत ही लाइटली आपके स्किन को क्लीन कर देगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपके पोर्स को ये क्लॉक नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लाइटली इसको रब करेंगे। बट मैं क्या करती हूँ ना, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब 2 से 3 दिन में ना मतलब 2-3 दिन बाद मैं क्या करती हूँ, इसको मैं इस सिलिकॉन ब्रश से धुलती हूँ मतलब अपने फेस को। बट नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, इसको पंप करती हूँ अपने हाथ पे और जो फोम आता है ना उसको अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि स्क्रब करना डेली आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। सो आपकी पोर्स को भी क्लॉक कर देगा, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पोर्स के लिए बहुत ज़्यादा बैड थिंग है। सो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया। अगर आप टैनिंग के लिए यूज़ करना चाहती हैं परफेक्ट है, आपके स्किन को बट बिल्कुल अच्छा से ग्लो देगा। और सबसे अच्छी बात है ये पैराबेन सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूट्स और स्किन टाइप, कोई भी स्किन टाइप है आप इसको रीपर्चेज कर लीजिए या फिर परचेज कर लीजिए। मैं तो डेफिनेटली इसको रीपर्चेज करने वाली हूँ। सो फेस की बहुत सारी बातें हो गई है स्किन केयर की, तो अब बात करते हैं थोड़ा मेकअप की। तो मेकअप में सबसे ज़्यादा मुझे ज़्यादा पसंद है वो है लिपस्टिक। तो मैंने ना ये एक देखा था, बहुत ही नॉर्मल रेंज का है, मतलब बहुत ही कम प्राइस का है ये, लाइक 150 और समथिंग। और इसमें ना आपको एक मैजिक मिलेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। इतने सारे लिप लाइनर मतलब और भी हैं इसमें, इतने सारे लिप लाइनर, हर कलर की लिपस्टिक के लिए आपको लिप लाइनर मिल जाएगा और ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो इनका जो है ना रेंज वाइज इनका जो है फॉर्मूला वो कम्प्लीटली मैट है, और आपके पास कोई भी लिपस्टिक हो उसके लिए इसमें शेड आपको ज़रूर मिल जाएगा। और ये है मी नाउ जनरेशन सेकेंड सुपर मैट लिप लाइनर। तो प्राइस मुझे इनका कम लगा था, बहुत कम है इनका प्राइस, मतलब आपको 200 इतने सारे मिल जाएंगे। मुझे लगा शायद अच्छे हों ना हो, बट काफ़ी अच्छे हैं। इनकी पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब बहुत अच्छे पिगमेंटेड हैं ये, और इनका फॉर्मूला ना बिल्कुल सॉफ्ट है, मैट है। आप इसको लिप्स पे लगा लेंगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और लिपस्टिक यूज़ करने से पहले लिप लाइनर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, आपका लिप बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे, तो ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे, मैं आपको इनका लिंक दे दूँगी। और बाहर किसी और प्लेटफॉर्म पे या फिर आपको नॉर्मल शॉप्स पे हो सकता है ना मिले, अमेजोन पे अवेलेबल है। गो एंड परचेज एंड यूज़ इट। इतने कम प्राइस में क्या ही मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। लाइक इतने सारे कलर्स और सो पिगमेंटेड। लव इट, लव द कलर, लव द फॉर्मूला एंड लव द प्राइस ऑल्सो। मैंने बात कर ली लिप लाइनर की और अब मैं आ गई हूँ अपने लिपस्टिक की तरफ। तो ये दो लिपस्टिक हैं, एक है ये नायका की बॉम्बे और ये है स्ट्रीट वेयर की लिप टू लास्ट मैट लिक्विड लिपस्टिक। तो इसका शेड मेरा है जोमू न्यूड और ये है बॉम्बे। एज यू ऑलरेडी नो, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा क्योंकि काफ़ी पॉपुलर रेंज है। तो ये दोनों लिपस्टिक ना मुझे बहुत अच्छी लगी और दोनों ना पूरी ऐसे एम्प्टी हो गई हैं। तो इसका जो है मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे क्वांटिटी थोड़ा सा कम लगता है, बट कलर जस्ट वाओ। तो कलर के लिए मैं इसको परचेज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। एवरीडे के लिए बेस्ट है। अगर आपको बोल्ड कलर नहीं पसंद है तो परफेक्ट है। और ये स्ट्रीट वेयर की है तो ये आपको मतलब किसी भी मार्केट में मिल जाएगी बहुत इजीली। अगर अमेजोन पे इसका लिंक होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर है। इसका भी एम्प्टी हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म। कलर इसका थोड़ा ऐसे है, ये कलर है, इसका कलर थोड़ा सा पिंक है, पिंक की न्यूड में है। और पिंक न्यूड कितना अच्छा होता है आपको तो पता ही है। और इसका थोड़ा सा पीची न्यूड है। तो अगर आपके फेयर स्किन टोन है या फिर मीडियम स्किन टोन है तो आपके लिए परफेक्ट है। सो ये कलर ना डार्क स्किन टाइप वालों के लिए नहीं है, यानी सांवला रंग है आपका तो ये आपके लिप्स पे नहीं जाएंगे, ना ही अच्छे लगेंगे। सो कोई भी ऐसा मतलब मिथ नहीं है। तो आपको ना ये ज़रूर, अगर आपका फेयर स्किन टोन है या फिर मीडियम है, दोनों पे परफेक्टली जाएंगे, परफेक्ट कलर्स हैं। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो मैं इनको रीपरचेज़ करूँगी। ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट्स। आई होप आप सबको ये पसंद आया हो। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आप परचेज़ कर लीजिए। मैं तो रीपरचेज़ करने वाली हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो इसको लाइक कर दीजिएगा और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे ही लाने वाली हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि क्या ट्राई करना चाहिए क्या नहीं। सो एक सबसे अच्छी बात मैं आपको भी बता रही हूँ कि मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं शेयर करूँगी कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैंने ख़रीदे हैं और मुझे लगता है कि मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही हूँ क्योंकि वो प्रोडक्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे और थोड़ा सा मतलब एक्सपेंसिव थे या फिर नॉर्मल रेंज अकॉर्डिंग भी वो उतने अच्छे नहीं थे। सो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं वो वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपको भी तो पता चलना चाहिए। तो जल्दी से कर लीजिए। सो मैं आपको मिलती अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।